नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि हमारे काफी किसानों की समस्या इस समय, क्योंकि अभी बरसात हुई है, बरसात होने के बाद मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो काफी हमारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल गिर गई। लेकिन समस्या ये है कि आखिरी सिंचाई में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस अवस्था में करना चाहिए, करना चाहिए तो कौन सी अवस्था में करना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि काफी हमारे किसान भाइयों का सवाल है कि हमारी बाली निकल रही है, क्या इस समय पर हम एनपीके 0050 का स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है कि अगर आपकी गेहूं की फसल गिर गई है बरसात में और अब मौसम चेंज हो रहा है, क्या आपको सिंचाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सिंचाई करना चाहिए तो आखिरी सिंचाई में कब करना चाहिए, कितने समय पीरियड पर करना चाहिए, कौन सी अवस्था में करना चाहिए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ और हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी जानकारी उन तक पहुंच सके, वो अपने गेहूं की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सके। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे किसान भाई, यूपी में हर जगह पे ये बारिश हुई, पिछले एक हफ्ते में जो बारिश हुई थी वो हर जगह पे हुई थी, बहुत ही अच्छी बारिश हुई थी। लेकिन अभी धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है और काफी हमारे किसान भाई की समस्या बनी हुई है, वो एक असमंजस में है कि सिंचाई करे या ना करे, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले तो हम बात करते हैं कि कुछ हमारे किसान भाई की फसल गिर गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, गिरने की समस्या इसलिए हमारे किसान भाइयों को देखने को मिली है कि उन्होंने कुछ गलतियां करी थी, जिस वजह से उनकी गेहूं की फसल गिरी है। पहले तो उन्होंने सिंचाई गलत समय पर करी थी, मान लीजिए सिंचाई करी उसके अगले दिन ही उनकी बारिश हो गई, जिस वजह से काफी हमारे करीब 80% से लेकर 85% किसान भाइयों की गेहूँ की फसल गिर गई है। अब गिरी हुई फसल को हम किस प्रकार से ठीक करते, तो उसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा तक देखते हैं, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। कुछ हमारे किसानों गलती ये गई थी, जब उन्होंने गेहूं की बुआई करी थी तो उन्होंने 40 किलो एकड़ के हिसाब से बोने के जगह पर उन्होंने 50 किलो 60 किलो एकड़ के हिसाब से गेहूं की बुआई करी थी, जिससे ये उनके पौधे की जो पावर थी उसमें बालियां तो ज्यादा पौधे तो ज्यादा बन गए, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए, जिससे वो हल्की सी हवा चलती है और हमारी गेहूँ की फसल गिर जाती है। दूसरा, जब उन्होंने गेहूँ की बुआई करी थी, गेहूँ की बुआई सही तरीके से नहीं हुई, गेहूँ की जो गेहूँ जो बोया था वो ऊपर ही पड़ा रहा, यानी कि ठीक तरीके से कम से कम 2.5 इंच नीचे होना चाहिए, तो उनका 1 इंच के नीचे पड़ रहा, जिस वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। और दूसरा, तीसरी जो समस्या आती है क्यों हमारा गेहूँ गिरता है, तो मैं आपको बता दूँ कि पहली सिंचाई सही समय पर नहीं करी थी, काफ़ी किसानों ने कच्ची सिंचाई करती थी, कुछ किसानों ने पक्की लेट सिंचाई करी थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिली गिरने की। तो ये तो समस्या होती है हमारे, इन कारणों की वजह से हमारी गेहूँ की फसल गिरती है। लेकिन आने वाले समय में आपको इन सारी चीज़ों, इन सारी गलतियों को नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं, क्या हम सिंचाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके खेत में आप विजिट करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि ये जो समय पीरियड है, आपने इतने दिन मेहनत करी थी, पैसा लगाया था, सिंचाई करी थी, बुआई करी थी, खादों का प्रयोग करा था, खाद लगाई थी, स्प्रे लगाए थे, लेकिन ये जो समय पीरियड है, ये जो महीना है, ये जो मार्च का महीना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है गेहूँ की फसल के लिए, क्योंकि हमारा आखिरी मूवमेंट होता है, लास्ट स्टेज होती है गेहूँ की। इस समय पर अगर आपने देखभाल नहीं करी तो आपका पैदावार 30 से 35% कहीं भी 40% भी घट सकता है। तो उस पैदावार को किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो इसी वीडियो में आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो काफ़ी हमारे किसानों की फसल गिर गई थी और वो सोच रहे हैं कि इस समय पर हमें सिंचाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी मिट्टी में जाकर एक बार चेक जरूर करिएगा, आप एक बार लड्डू बना के देखिएगा, आपका लड्डू बन रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका लड्डू बन नहीं रहा है तो आपको एक हल्की सिंचाई करने की आवश्यकता है। ये सिंचाई के साथ 120 दिन के बाद करना होती है, लेकिन अभी सिंचाई इसलिए लेट हो गई क्योंकि बारिश हो गई थी, बारिश बहुत ही जबरदस्त हुई थी, तो लेकिन ये तेज हवाओं के कारण और तेज धूप के कारण काफी हमारे किसानों की फसल सूख रही है, यानी कि गेहूँ की जो जमीन है वो सूख रही है। तो आपको जमीन में विजिट करना है, चेक करना है अपने खेत को, 1 से 3 से 4 इंच नीचे की मिट्टी निकालना है और लड्डू बना के चेक करना है, लड्डू बनना तो ठीक है, नहीं है तो आपको हल्की सिंचाई करने की आवश्यकता है। तो आपको आखिरी सिंचाई हल्की सिंचाई करना है, ध्यान रखना है। सिंचाई करते समय एक समस्या और है कि जब दिन में अगर हवाएं बहुत तेज चल रही होती है तो आपको ध्यान रखना है कि या तो आप अर्ली मॉर्निंग सिंचाई कर दें 4-5 बजे, या फिर आप शाम को 5 बजे के बाद में सिंचाई करें, पूरी रात भी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि रात में हवाएं बिल्कुल नहीं चल रही है, तो आप रात में सिंचाई करें तो आपके गिरने की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सिंचाई करिए, सिंचाई करते समय ध्यान रखें कि आपको अधिक सिंचाई बिल्कुल नहीं करना, हल्की सिंचाई करना है, यानी क्यारी से क्यारी में पानी उतार के सिंचाई करना है। अब बात करें थे किसान की, क्या हम इस समय पर एनपीके 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपना खुद का तजुर्बा आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक खेत में एनपीके 0050 का स्प्रे किया था और एक खेत में एनपीके 0050 का स्प्रे नहीं किया था। उसमें जो आप, मैं प्रैक्टिकल आपको बता सकता हूँ, तो आप भी एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, एक क्यारी मत करिएगा, बाकी आप करके देखिएगा, बाली निकलने के बाद एनपीके 0050 का स्प्रे करेंगे तो आपका जो डाउट है वो आपका शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि अगर आपकी बालियाँ निकले तो आप एक स्प्रे जरूर करिएगा एनपीके 0050 का, और उसके साथ में 200 ग्राम आप बोरो ले लेंगे तो उसमें बहुत ही जबरदस्त आपका जो बाली है
उसका दाना मोटा चमकीला वजनदार बनेगा, और अगर आपका दाना मोटा चमकीला वजनदार होगा तो आपकी पैदावार भी अधिक आएगी, क्योंकि अपने जो पहले काम करा था वो हमने करा था दाने की क्वांटिटी बढ़ाने में। काफी हमारे किसान में, कुछ किसान भाइयों ने एक बाली में 50 दाने कर लिए, किसी ने 70 कर लिए, किसी ने 80 कर लिए, लेकिन अब जो हमें कार्य करना है वो दाने को मोटा करने में करना है, मोटा चमकीला वजनदार करने में कार्य करना है। तो उसके लिए जो NPK 0050 है परफेक्ट है, आपको अवश्य एक इस बार स्प्रे अवश्य करना। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हैं, आपको रिजल्ट बेहद अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर आपका दाना बारीक किसान नहीं होगा जाता है, इसी कारण रहता है कि वो पोटास का प्रयोग नहीं करते, NPK 0050 का प्रयोग नहीं करते, जिससे उनका दाना बारीक हो जाता है, उनकी जो पैदावार होती है वो करीब 20 से 25-30% तक गिर जाती है, क्योंकि दाना बारीक हो जाता है, जिस वजह से उन्हें मार्केट में प्राइस भी कम मिलता है। तो ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो आप NPK 0050 का स्प्रे अभी कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, और आपने अभी तक नहीं किया तो आप कर सकते हैं 1 किलोग्राम NPK 0050, और उसके साथ में आप बोरोन भी ले सकते हैं 200 से लेकर 250 ग्राम, और 150 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हो। ये जो समस्या है किसान भाई, ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, और सिंचाई करेंगे तो आपकी जो पैदावार किसान में 30% कम हो रही थी उस पैदावार को आप बढ़ा सकते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। और एक मैं और जानकारी आपको देना चाहूँ कि काफ़ी हमारे किसान में गेहूँ की फसल गिर गई थी, तो उसको हम किस प्रकार से खड़ा कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य करना है, तो इसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी एक वीडियो और हमारे चैनल पर पहुंची, किसान भी काफ़ी हमारे किसान भाइयों की प्याज की फसल है सब लास्ट स्टेज पे चल रही, तो उन्हें क्या लास्ट खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, कौन से स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है। प्याज की साइज को डबल किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन सा खाद का प्रयोग करना है, कौन से स्प्रे का प्रयोग करना है, संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो पोस्ट हो चुकी, तो आप इन दोनों वीडियो को देखकर बहुत ही जबरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे किसानों के साथ, जिससे हमारी जो जानकारी उन तक पहुंच सके और अपनी गेहूं की फसल में अच्छा पैदावार ले सके। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।